हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल अगेन। ट्रिपल सी महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे संबंधित आज मैंने इस वीडियो में बत्तीस क्वेश्चन को मैंने आज इंक्लूड किए हैं, और विथ टाइमर 10 प्रत्येक क्वेश्चन पे आप सभी लोगों को 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आप सभी लोगों को जवाब देना होगा। और सारे क्वेश्चन लास्ट जुलाई और अगस्त में आए हुए क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं आज के चैनल की ओर। आज का वीडियो सूरज ट्रिपल सी टेस्ट 4 10 सेकेंड टाइमर के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन पर आप सभी लोगों को 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आप सभी लोगों को जवाब देना है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज का पहला क्वेश्चन, सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना लिखना दोनों। 10 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों का। आरबीआई अधिकतम कितने की नोट छाप सकता है, करेक्ट आंसर 10,000। एमएस डॉस की विशेषता नहीं है, एमएस डॉस की विशेषता नहीं है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एमएस डॉस पे ग्राफिक वर्क नहीं हो सकता है। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं सर्फिंग, इसका करेक्ट आंसर है सर्फिंग। जो भी वर्क करते हैं इंटरनेट पर वो सर्फिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, दोनों हैं या एक है, इसका करेक्ट आंसर है दोनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मजा आ रहा है दोस्तों, इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है आया हुआ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है साइबर स्पेस। और अर्पानेट जो ऑप्शन है वो पहला इंटरनेट था, साइबर स्पेस इंटरनेट का दूसरा नाम। डिलीट किए हुए मेल्स कहाँ से पाए जा सकते हैं, ट्रेस, करेक्ट आंसर है इसका ट्रैश। क्या माउस के बिना हम कोई प्रोग्राम खोल सकते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग जल्दी से। हाँ, हम बगैर माउस के कोई प्रोग्राम खोल सकते हैं कीबोर्ड के सहायता से। सब स्क्रिप्ट के शॉर्टकट कीज क्या है, सब स्क्रिप्ट जो किसी भी संख्या के नीचे रखती है, जैसे कंट्रोल प्लस बराबर, शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस बराबर, S2 जैसे लिखा जाता है ये सब। IRC इंटरनेट रिले चैट कैसा प्रोटोकॉल है, करेक्ट आंसर है ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग जो करते हैं वो IRC के अंतर्गत होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है हर्ट्ज, करेक्ट आंसर है हर्ट्ज। निम्न में विषम कौन है, फेसबुक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, याहू गूगल ये सब सर्च इंजन है। IPv6 एड्रेसिंग कितने बिट का होता है, करेक्ट आंसर इसका बताइए जल्दी से, 128 बिट। सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के इम्पोर्टेंट है। IPv4 एड्रेसिंग कितने बिट का होता है, IPv4 होता है 32 बिट। निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन है, तो करेक्ट आंसर है कोबोल, और बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा था, करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था। अगला क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बायोस का फुल फॉर्म, करेक्ट आंसर इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। मजा आ रहा है दोस्तों। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है, और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इथरनेट
इथरनेट किससे संबंधित है? इथरनेट होना चाहिए, करेक्ट आंसर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इथरनेट। पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, करेक्ट आंसर है होम पेज। मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट महसूस हो रहे होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एच। अगला क्वेश्चन, द इंडियन रूपी सिंबल रूपी कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर है इसका 2010। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में थीजर्स का प्रयोग होता है, एमएस वर्ड में थीजर्स का प्रयोग होता है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स चेक करने के लिए, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची देखने के लिए। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कौन जुड़ सकता है? इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के आयु के सभी लोग जुड़ सकते हैं। टीएफटी का फुल फॉर्म, करेक्ट आंसर है इसका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो मॉनिटर का एक टाइप है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से अगर कोई विकलांग होता है तो कितने रुपए मिलते हैं? 2 लाख। अगला क्वेश्चन, आंशिक रूप से अगर कोई अपंग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? 9 मई सन 2015 को पूरे देश में लागू हुआ, यह योजना इसके पहले सन 2010-11 में। अटल पेंशन योजना APY कितने वर्ष की आयु के लिए है? अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए, अटल पेंशन योजना का लाभ किसको मिलेगा? 60 वर्ष से मृत्यु तक। थैंक यू टू ऑल। मैं आप सभी मित्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विद टाइमर हम क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल और थैंक यू।